Hey everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to share with you this beautiful soft and sparkly eye makeup tutorial which you can do within just 5 minutes. So if you are interested to know how to create this look, then please stay tuned. तो सबसे पहले मैं इस लाइट ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी होल आई लिड में विद दिस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज माई ट्रांजिशन शेड. बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हाथ लाइन ना दिखे. एंड दिस शेड इज जस्ट 3 शेड डार्कर देन माई स्किन टोन. ये जो सॉफ्ट ब्राउन शेड है गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है. कभी कभी मैं मेरी एवरीडे आई मेकअप लुक के लिए जस्ट इस शेड को ही मेरी आई लिड में ऐसे ब्लेंड करके अच्छे से देन काजल या लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ. इससे भी आई मेकअप लुक बहुत ब्यूटीफुल लगती है. नेक्स्ट मैं इस शिमरी सिल्वर शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी आई लिड में, मेरी आई शेड में विद दिस फ्लैट ब्रश. एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं जस्ट मेरी क्रीज लाइन के नीचे ही इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ. क्रीज लाइन के ऊपर आपको नहीं अप्लाई करना है. आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करते हुए कलर बिल्ड करना है. अब मैं इस ब्लेंडिंग ब्रश से शिमरी कलर की एजेस को ऐसे वाइप कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. सेम शिमरी शेड से ही मैं मेरी ब्राउ बोन को एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी. इससे एक क्लीन ब्राउन लुक मिलेगा एंड आई मेकअप पॉप अप होगा. शिमरी आई शेडो के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये सॉफ्ट एंड स्पार्कली सिल्वर ग्लिटर आई शेडो. एंड ये जो एप्लीकेटर है गाइस, ये इस आई शेडो के साथ ही आए थे. प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग इन दिस वीडियो विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. एडीएफ ब्लैक जेल लाइनर से मैं सिंपल सा विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी तक सेलोटेप रिमूव नहीं किया. सेलोटेप अप्लाई करके विंग लाइनर अप्लाई करने से बहुत अच्छे से विंग लाइनर अप्लाई हो जाते हैं. तो इफ यू आर ए बिगिनर तो आप भी ये चीज जरूर ट्राई करना. तो यहाँ पे जस्ट मैं मेरी लेसेस की क्लोज क्लोज ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. अब सेलोटेप के एजेस के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर लेना है. देन इवन आउट करते हुए आपको जितना ठीक चाहिए उतना ठीक कर लेना है. तो आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट वे टू गो. सेम ब्राउन शेड जिसे मैं मेरी ट्रांजिशन शेड के लिए अप्लाई की थी, इससे मैं मेरी लोअर वाटरलाइन के नीचे से स्मोक आउट कर लूंगी. इससे आई मेकअप बैलेंस दिखेगा. काजल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक काजल. इससे मैं मेरी अपर एंड लोअर वाटरलाइन को अच्छे से टाइटलाइन भी कर लूंगी. नेक्स्ट मैं लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा से मेरी अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ टू गिव सम एक्सटेंशन टू माई नेचुरल लैशेस. ऑफ कैमरा फॉल्स लैशेस लगा के मैंने लुक को कंप्लीट किया. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना. ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज. Thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, bye bye.